नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 200 साल तक राज किया। दरअसल भारत पर राज अंग्रेजों ने किया, ब्रिटिशर्स ने किया, लेकिन मुख्यमंत्री की जुबान फिसल गई, मुंह से अमेरिका निकल गया। लेकिन यह दूसरी बात, हम आज बात करेंगे कि अमेरिका ने क्या किसी पर, किसी देश पर अमेरिका ने राज किया है इतिहास में, या फिर अमेरिका पर किसी देश ने राज किया इतिहास में। आज दुनिया की जो सुपर पावर है, यानी कि अमेरिका, जिसके पास सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, जिसका प्रेसिडेंट दुनिया में नंबर वन, जिसका व्हाइट हाउस दुनिया में सबसे सेफेस्ट जगह, जिसको देखकर बड़े बड़े मुल्क थर्रा जाते हैं, जो दुनिया के मैप पर कहीं पर भी चाहे कुछ भी करवा देता है, क्या आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले अमेरिका की यह स्थिति थी? अमेरिका कैसे बना, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट कैसे बना, इन सब बातों पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा रोमांचक भी होगा, आपका ज्ञान भी बढ़ाएगा और अमेरिका के इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी देगा। दरअसल जब बात मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान से अमेरिका की निकली और बात ये निकली कि किसने किस पर राज किया, तो हमें लगा कि आपको एक वीडियो के जरिए बताते हैं कि आज जिसको हम दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहते हैं, सबसे पुराना रिपब्लिक कहते हैं, यानी कि अमेरिका, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, अमेरिका का निर्माण कैसे हुआ। तो अमेरिका की कहानी को जानने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। सन 1300 और 1400 के दौरान दुनिया में एक पुनर्जागरण की भावना जागृत हुई। तरह तरह के विद्वान, तरह तरह के विचार, तरह तरह की किताबें। ये वो दौर था जब देश नहीं हुआ करते थे, ये वो दौर था जब साम्राज्य हुआ करते थे, बड़े बड़े साम्राज्य, उनमें बड़ी बड़ी राजशाही और उनमें आपस में आगे निकलने की होड़। फिर औद्योगिक क्रांति आती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, उसके बाद दुनिया में होड़ और भी ज़्यादा तेज मच जाती है। जो तमाम साम्राज्य हैं वो आपस में इस बात की प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि कौन किससे आगे निकलेगा, और इसी को लेकर दुनिया का एक्सप्लोर करना शुरू हुआ। यानी कि जो साम्राज्य थे, जो राजशाहियां थी, वो अपने राजशाही से, अपने साम्राज्य से, अपनी सीमाओं से बाहर निकल करके दुनिया को ढूंढ रही थी, वहां पर संसाधन जुटाने के लिए अपनी कॉलोनीज बना रही थी। ठीक इसी तरह भारत में भी हुआ और ठीक इसी तरह अमेरिका में भी हुआ। भारत में अंग्रेजों की कॉलोनी बसी, अमेरिका में भी अंग्रेजों की कॉलोनी बसी। अब इस बात को आप ये समझिए, जब दुनिया भर में कॉलोनियां बसाई जा रही थी 1400 के आसपास, जब भारत में वास्को डी गामा आते हैं और अमेरिका की ढूंढ पर निकलते हैं कोलंबस, कोलंबस को स्पॉन्सर करता है स्पेन, और इसीलिए जब कोलंबस अमेरिका की ढूंढ करते हैं, अमेरिका पहुंचते हैं, तो तब वहां पर सबसे पहले स्पेन की कॉलोनी बसती है। कोलंबस जब अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका कोई देश नहीं था, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट था जो उत्तरी अमेरिका था, और उसमें जो अमेरिकी, जो नेटिव अमेरिकन्स जिन्हें कहा जाता है, यानी कि मूल रूप से जो अमेरिकी थे, वो आदिवासी किस्म के थे, जनजाति किस्म के थे, और कई उनकी जनजातियां वहां पर थी जो कि अपने परंपरागत तरीकों से वहां पर रहती थी, परंपरागत तरीकों से शिकार करती थी। तब अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं था, तब अमेरिका के पास कोई संसाधन नहीं था, इनफैक्ट तब अमेरिका था ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नाम की कोई चीज नहीं थी। तो फिर सबसे पावरफुल कौन था, शक्तिशाली कौन था? तीन चार उंगलियों पर गिनने वाले साम्राज्य आप गिन लीजिए, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और ब्रिटिशर्स, ये सबसे पावरफुल थे, इनके अंदर होड़ थी। कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा, स्पेन ने बस्ती बसाई, उसके बाद अमेरिका के ऊपर फ्रांस ने अपनी बस्तियां बसाई और फिर ब्रिटिशर्स ने। ठीक इसी तरह से अफ्रीका में भी चल रहा था, ठीक इसी तरह से एशिया में भी चल रहा था। एशिया में भी, भारत में भी पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, लेकिन लास्ट में अंग्रेज टिके, क्योंकि अंग्रेज उस वक्त काफी माहिर थे। और अमेरिका में भी यही हुआ। अमेरिका का निर्माण होता है अमेरिकन रेवोल्यूशन से, यानी कि अमेरिका की क्रांति से। इतिहास में एक बेहद ही फेमस टॉपिक इसे माना जाता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिका की क्रांति, और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस वॉर था वो, और अमेरिका का रेवोल्यूशन था वो काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हुई? दरअसल ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 7 ईयर्स ऑफ वॉर हुई,
जो कि एक जगह नहीं हुई, 5 कॉन्टिनेंट में जो फैली थी। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उस वक्त ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ये दोनों ही थे जो कि दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे। वहां पर अपनी कॉलोनियां बसाने की होड़ उन दोनों में लगी हुई थी। 7 ईयर्स ऑफ वॉर होती है, कई जगहों पर लड़ी जाती है, उत्तरी अमेरिका में भी लड़ी जाती है, भारत में भी लड़ी जाती है। भारत में उस वक्त कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, तो आखिरकार फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेज जो हैं वो उत्तरी अमेरिका पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं और उसके बाद वहां पर करीब 13 कॉलोनियों को बसाते हैं। और 1750 तक जब ये 13 कॉलोनियां बसती है तो यहीं से कहानी शुरू होती है अमेरिका की। जब ये 13 कॉलोनियां बस गई तो इन 13 कॉलोनियों में अलग अलग तरीके से प्रशासनिक ढांचा चलता था, लेकिन एक बात जो कॉमन थी, फाइनल कंट्रोल ब्रिटिशर्स का यहाँ पर रहता था। गवर्नर की नियुक्ति ब्रिटिशर्स करते थे, जैसा भारत में था वायसराय हो या फिर गवर्नर जनरल हो, इसकी नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिशर्स उसकी नियुक्ति करते थे। अब किसी भी रेवोल्यूशन के, क्योंकि इसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन शुरू होता है, किसी भी रेवोल्यूशन के, किसी भी क्रांति के कुछ कारण होते हैं और वो कारण होते हैं आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण। इतिहास के पन्नों में आप देखेंगे तब से लेकर और अभी तक हर मामले के 3 कारण कम से कम आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण होते ही होते हैं। उस वक्त भी इसी तरह की स्थितियां बन रही थी। जिस तरह की स्थिति भारत में थी, अंग्रेज परेशान कर रहे थे, टैक्स थोपते थे, शोषण करते थे, यही स्थितियां अमेरिका में भी देखने को मिल रही थी। जो कि 13 अलग अलग कॉलोनियां थी वहां पर भी इसी तरह से हो रहा था। वहां का जो व्यापार था, वहां की जो जमीनें थी, उस पर कंट्रोल ब्रिटिशर्स का था, लेकिन काम अमेरिका के लोग कर रहे थे, मालिकाना हक ब्रिटिशर्स का था, उनको कुछ मिलता नहीं था। इसी तरह की स्थिति भारत में भी थी, आपने जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा होगा। इसके अलावा जो टैक्सेशन था, यानी कि जो टैक्स था, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा काफी ज्यादा लगाया जा रहा था वहां पर। जो अंग्रेजों की पॉलिसी अमेरिका को लेकर थी वो भी इसी तरह की थी। वहां पर कोई भी किसी भी तरह का कोई उद्योग शुरू नहीं कर सकता था। आपको कुछ चीज खरीदनी है, उसका आयात करना है, तो आपको वो चीज ब्रिटेन से लेनी पड़ेगी। आपको कुछ चीज बेचनी है, उसे निर्यात करना है, तो आपको वो चीज ब्रिटेन को ही बेचनी पड़ेगी। आपको कहीं कुछ करना है तो ब्रिटेन के थ्रू करना है। यहां तक कि कुछ सामान भेजना है तो उसके लिए भी अनिवार्यता ये थी कि जो ब्रिटिश शिप थे उसके जरिए ही सारा सामान भेजा जाना था। ये सब क्यों? ताकि टैक्स लगाया जाए, टैक्स बढ़े और ब्रिटिशर्स का भला हो, ब्रिटिशर्स के पास टैक्स कलेक्शन हो, उनकी स्थिति मजबूत हो। अंततः नुकसान किसका? अमेरिका का। अमेरिकी लोगों को इस बात का पता चल गया था और फिर शुरू होता है अमेरिका की क्रांति, यानी कि अमेरिकन रेवोल्यूशन। 1765 से लेकर और 1783 तक चलने वाले इस अमेरिकन रेवोल्यूशन के बीच में एक अमेरिकन वॉर भी होती है जिसको इंडिपेंडेंस वॉर कहा जाता है। उसमें क्या हुआ वो भी समझ लीजिए। तो अमेरिका की क्रांति के जो ये कारण थे, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण, इनके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से वहां पर जो पॉलिसी थी अंग्रेजों की, उससे लोग नाखुश लगातार होते जा रहे थे और अब जो वो विरोध था वो धीरे 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 करके बढ़ता जा रहा था। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था क्योंकि अमेरिकियों पर डायरेक्ट कंट्रोल तो ब्रिटिशर्स का था, गवर्नर ब्रिटिश का था, लेकिन लंदन में, यानी कि ब्रिटिश सरकार के अंदर, उनका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। अमेरिकी क्रांति का तत्कालिक जो कारण था, जैसे 1857 में भारत का स्वतंत्रता संग्राम होता है तो उसका तत्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, मंगल पांडे, बंगाल छावनी, जहां से क्रांति ने चिंगारी पकड़ी और फैल गई। इसी तरह से अमेरिका की क्रांति जब चल रही थी तो उसमें भी तत्कालीन कारण था और वो तत्कालीन कारण था स्टैंप एक्ट, यानी कि 1765 का स्टैंप एक्ट। इस एक्ट के तहत हर चीज पर जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश राजशाही थी, उसने टैक्स बढ़ा दिया। नतीजा ये हुआ कि महंगाई ज़्यादा होने लग गई। हर चीज पर जब टैक्स लगा दिया तो जो अमेरिका की जनता थी वो गुस्से में आ गए। एक नारा उस वक्त काफी ज्यादा चला, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जब तक उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है लंदन में, तब तक टैक्सेशन भी नहीं होगा। विरोध बढ़ा, क्रांति बढ़ी और आखिरकार वो जो स्टैंप एक्ट था उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि ब्रिटिश राजशाही जब चाहे तब अमेरिका के ऊपर टैक्स लगा सकती है, किसी भी मामले पर टैक्स लगा सकती है। ठीक ऐसा ही हुआ, टी टैक्स लगाया गया, यानी कि चाय उस वक्त एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसको ब्रिटेन दुनिया के कोने कोने से ला करके बेचता था, उनमें भारत भी एक महत्वपूर्ण जगह थी। जब टी टैक्स लगाया गया तो उसके बाद जो अमेरिकी लोग थे उन्होंने विरोध को और तेज कर दिया। और फिर आता है एक किस्सा बॉस्टन टी पार्टी का। 16 दिसंबर 1773 को बॉस्टन में, जो बॉस्टन का बंदरगाह था,
वहां पर जो शिप्स थे, बड़े बड़े जहाज थे, उनमें काफी ज्यादा चाय थी, काफी ज्यादा टी थी। अमेरिकी लोगों ने उस पूरी की पूरी टी को समंदर में डुबा दिया। बॉस्टन टी पार्टी में कोई चाय की पार्टी नहीं हो रही थी, कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा था, बल्कि विरोध के रूप में जितनी भी चाय थी उसको समंदर में विलीन कर दिया गया और क्रांति की शुरुआत और बड़े पैमाने पर हो गई। तो आखिर में दौर आता है 1774 का। 1774 से लेकर और 1783-84 तक, जब तक ये अमेरिकन रेवोल्यूशन चलता है तब तक वॉर भी चलती है। वॉर कैसे शुरू हुई? 1774 में अमेरिका में पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई, यानी कि बैठक हुई। इसमें जो 13 कॉलोनियां थी, ये 13 कॉलोनियां पहली बार एक हो गई। इन्होंने अपना ग्रुप बना दिया और कह दिया कि हम ब्रिटेन के सामान का बॉयकॉट करेंगे, यानी कि जो बात भारत में देखी गई थी, स्वदेशी आंदोलन जो भारत में हुआ था उसी तरह का आंदोलन अमेरिका में भी हुआ था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वोकल फॉर लोकल का नारा देते हैं, ये तब से चला आ रहा था। अपने लोकल प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे और जो ब्रिटिश प्रोडक्ट है उनका बायकॉट करेंगे, इस तरह की गतिविधियां अमेरिका में शुरू होने लगी। 1774 में जब पहली कांग्रेस बैठी तो उसके बाद ब्रिटेन ने वहां पर अपनी आर्मी भेज दी और फिर जंग छिड़ गई। जंग शुरू होती है, इस जंग में जीत अमेरिका की होती है। उस वक्त की महाशक्ति ब्रिटेन को अमेरिका ने हरा दिया, लेकिन क्या अकेले? जी नहीं, 7 ईयर्स ऑफ वॉर में हार का बदला लेने के लिए आतुर फ्रांस भी इस जंग में अमेरिका के साथ था। अमेरिका ने जंग लड़ी अपनी आजादी के लिए और यह जंग अमेरिका जीत गया। 1776 में सेकंड कॉन्टिनेंट कांग्रेस बैठती है, इसमें यूएस डिक्लेरेशन होता है। यूएस डिक्लेरेशन किया जाता है, मतलब आजादी की घोषणा। अमेरिका अपनी आजादी की घोषणा करता है और उसमें जो महत्वपूर्ण कथन है, जिस पर उसके बाद पूरी दुनिया में जागृति देखने को मिली, पूरी दुनिया ने उससे सीख ली, प्रेरणा ली, वो क्या था वो भी आप सुनिए। 4 जुलाई के दिन अमेरिका में यूएस डिक्लेरेशन हुआ और आज भी अमेरिका 4 जुलाई के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस डिक्लेरेशन पर क्या बोला गया था? इस डिक्लेरेशन पर बोला गया था कि सभी मनुष्य बराबर हैं, उन्हें बराबर तरह से, बराबर तरीके से बनाया गया है और उनके कुछ अधिकार हैं जो उनसे छीने नहीं जा सकते हैं। लाइफ, लिबर्टी और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये कथन उसके बाद काफ़ी फेमस हुआ। उसके बाद चाहे फ्रांस की क्रांति हो या फिर भारत की क्रांति हो, हर जगह इस वाक्य की छाप देखने को मिली, क्योंकि उस वक्त तक आज़ादी की कोई बात नहीं करता था, लिबर्टी की कोई बात नहीं करता था। ये पहला दौर था जब जनता खुद को रिपब्लिक करने की बात कर रही थी। 1776 की सेकंड कॉन्टिनेंट कांग्रेस में जो 13 की 13 कॉलोनियां थी, 13 की 13 अलग कॉलोनियां थी, जिन्होंने ग्रुप बना लिया, उन्होंने एक नारा दिया। वो नारा था वी आर स्टेट, यानी कि उन्होंने खुद को यूनाइट कर लिया और तब से अवधारणा हुई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका कोई एक देश नहीं था, बल्कि उस वक्त 13 अलग अलग स्टेट्स ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया था, एक संगठन बनाया था, अपने आप को यूनाइट किया था अमेरिका के रूप में, और तब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अवधारणा शुरू हुई। और आज अमेरिका में करीब 50 स्टेट हैं जो कि अलग अलग स्टेट हैं और वो यूनाइट होकर के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना चुके हैं, जो कि आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। इसके बाद 1783 में पेरिस की ट्रीटी साइन होती है। पेरिस की ट्रीटी जैसे ही साइन होती है तो उसके बाद ये रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है। ब्रिटेन अमेरिका को स्वतंत्र कर देता है, इंडिपेंडेंट कर देता है, और 1789 में अमेरिका में दुनिया का पहला लिखित संविधान तैयार होता है, जिसको अमेरिका लेता है, और वो दुनिया के इतिहास का सबसे पुराना और सबसे पहला लिखित संविधान होता है। गणतांत्रिक देश का ये पहला देश था जो कि गणतंत्र हुआ, जहां पर लोकतंत्र था, जहां पर राजशाही नहीं थी, जिसने दुनिया को दिखाया कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति देश का मुखिया बनेगा, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, और राजा वो बनेगा जिसे जनता चुनेगी। लोकतंत्र की अवधारणा जागृत हुई और उसके बाद आपने देखा दुनिया के तमाम देशों में आज़ादी के लिए एक जंग शुरू हुई। आपने देखा उसके बाद भारत में भारत का स्वाधीनता संग्राम 1857 से और 1947 तक चला। उसके बाद भारत भी आज़ाद हुआ और अमेरिका जो दुनिया का सबसे पुराना रिपब्लिक है और भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। तो ये शक्ति है लोकतंत्र की, ये शक्ति है आज़ादी चाहने वाले लोगों की। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अमेरिकन क्रांति के बारे में आपको जो जानकारी मिली वो आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह से कुछ रोचक किस्से इतिहास के आपको बताए जाएं या फिर किसी और चीज़ के, तो उस बारे में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर दीजिए संवाद 365 को, बेल आइकन दबाइए ताकि इस तरह के वीडियोज़ आते रहें और वो आप तक पहुँचते रहें, आप उन्हें देखते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।